यश भैया कब से काम में लगे हुए, गर्दन तक उठाने की फुर्सत नहीं उन्हें। अगर ऐसे में आरती उनकी थोड़ी सी मदद कर दे तो क्या बिगड़ जाएगा उसका। अगर बाबूजी यहां होते तो फौरन आरती को ऑर्डर दे देते, बहू जाओ और यश की मदद करो। आखिर बाबूजी भी तो यही चाहते हैं ना कि यश भैया और आरती ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। लेकिन आरती उसे फुर्सत कहाँ है, सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना ही पत्नी धर्म थोड़ी होता है। पति के सुख दुख में उसका ध्यान रखना, उसका साथ निभाना, ये सब भी कुछ मायने रखता है ना मम्मी जी। कहाँ है आरती, बुलाओ उसे, मैं कहूंगी उसे मेरे बेटे की काम में मदद करे। अरे पर आपके और मेरे कहने से कहां मानने वाली है वो, अब इतने सारे काम है उसके सर पे, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें खाना खिलाना, तैयार करना, उनका होमवर्क, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, तो फिर इस बात के लिए आरती के पास टाइम कहां। और ऊपर से यश भैया ने भी उसे मना कर दिया। यश की बात छोड़ दो, उसे मैं संभाल लूंगी, वो मेरा बेटा है, मेरी बात कभी नहीं नकारेगा। और रहा सवाल आरती का, तो वो भी मना नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आरती बहू, ओहो, आप सासू माँ को क्या हुआ, उसे गुस्से में क्यों चला रही है। जी मम्मी जी, आज से बल्कि अभी से तुम्हें यश के काम में उसकी मदद करनी होगी। सिर्फ घर पर ही नहीं, वो जहां जहां जाएगा तुम उसके साथ जाओगे। इस वक्त यश को तुम्हारी जरूरत है और तुम यश के साथ काम करोगी, ये मेरा हुक्म है।